जॉन अब्राहम की करप्शन के मुद्दे पर बनी फिल्म सत्यमेव जयते को 15 अगस्त को देश भर में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट यानी अडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया था, यानी हर वर्ग का दर्शक इस फिल्म को नहीं देख सकता था, जिसके बाद यही कयास लगाई जा रही थी कि फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जॉन अब्राहम की इस फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, खासकर की सिंगल स्क्रीन पर। जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते ने सिंगल स्क्रीन पर आज भी अपनी पकड़ बनाए रखी हुई है। फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन करती नजर आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते ने ओपनिंग डे में करीब 20 करोड़ की शानदार कमाई की थी। इसके बाद अक्षय की गोल्ड को ये फिल्म बराबर टक्कर देती नजर आई थी और करीब 5 दिनों के लंबे वीकेंड तक फिल्म ने करीब 55 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आपको बताते चले, फिल्म सत्यमेव जयते एक छोटे बजट की फिल्म है और फिल्म को हिट होने के लिए सिर्फ 70 करोड़ का आंकड़ा पार करना है, जो कि कोई मुश्किल नहीं लग रहा है। इस हफ्ते बॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म नहीं रिलीज हो रही जिसका बड़ा फायदा सत्यमेव जयते को होता देख सकता है और फिल्म आसानी से 70 करोड़ का शानदार आंकड़ा पार कर लेगी।